తెలంగాణ ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాలమూరులో బీజేపీ నిర్వహించిన ప్రజా గర్జన సభలో పాల్గొన్న మోడీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ పై రేంజ్ లో విమర్శలు చేశారు రైతుల పథకాల పేరుతో తెలంగాణ సర్కారు దోచుకుంటోందని మోడీ ఆరోపించారు సాగునీటి పథకాల పేరుతో పెద్ద ఎత్తున దోపిడీ జరుగుతోందన్నారు రాజకీయ పార్టీలు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలుగా మార్చారంటూ బీఆర్ఎస్ పై ఫైర్ అయ్యారు మోడీ कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब राज्य में भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शी ईमानदार सरकार चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे झूठे वादे नहीं, जमीन पर काम चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे भाजपा सरकार चाहिए। ये लोग प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाते हैं। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रेसिडेंट भी परिवार का, सीईओ भी परिवार का, डायरेक्टर भी परिवार का, ट्रेजरर भी परिवार का, जनरल मैनेजर भी परिवार का, चीफ मैनेजर भी परिवार का, मैनेजर भी परिवार का होता है। हाँ, सपोर्ट स्टाफ के लिए कुछ बाहरी लोगों को दिखावे के लिए जरूर रख लिया जाता है, यानी हर बड़े पद पर यो परिवार के लोग खुद बैठते हैं या फिर अपने करीबी को ही बिठाते हैं। पार्टी का कोई भी फैसला इनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार का ही भला करने में जुटी है, लेकिन भाजपा को देश के सामान्य नागरिक के परिवार की चिंता है। ये लोग प्रजातंत्र को परिवार कुटुंब सभ्युलरा, तेलंगाना सरकार कार की है लेकिन उस कार का स्टीयरिंग किसी और के पास है। आप भी जानते हैं कि तेलंगाना सरकार को कौन चला रहा है, तेलंगाना की प्रगति को दो फैमिली रन पार्टीज ने रोक के रखा है। इन दोनों ही फैमिली रन पार्टीज की पहचान करप्शन और कमीशन से है। इस दोनों पार्टियों का एक ही फॉर्मूला है, पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। आप कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना सरकार कार की है लेकिन उस कार